झाबुआ जिले में संचालित 352 पीडीएस राशन दुकानों को अभी तक कमीशन नहीं मिला है। कमीशन नहीं मिलने से दुकान संचालकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत भावसार, जो कि स्वयं एक संस्था चला रहे हैं, लेकिन कमीशन नहीं मिलने से नाराज नजर आए हैं। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता शाबिर मंसूरी ने इनसे कमीशन को लेकर चर्चा की है। बिल्कुल सही आरोप है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है सहकारिता के क्षेत्र से, जो संस्थाएं पीडीएफ दुकान संचालित कर रही है उनके लिए। विगत 5-5, 7-7 महीनों से उनका जो कमीशन राशि, जिससे कि वो तुलावटी है, सेल्समैन है, प्रबंधक है, उनका वो भुगतान करते हैं, वो राशि भी हजम करने में लगी है नागरिक आपूर्ति निगम झाबुआ का कार्यालय, और उनको बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश आया है इसलिए हम आपका काटेंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि कोरोना काल में खाद्य विभाग, जिला खाद्य विभाग और तत्कालीन कलेक्टरों के निर्देश पर सभी पीडीएस दुकान के संचालकों ने बिना मशीन के दबाव पूर्वक इन्होंने खाद्यान्न बंटवाया था। उसका खामियाजा खाद्य विभाग के बजाय पीडीएस दुकान संचालनकर्ता क्यों भुगते, इस बात का मुद्दा, और ये मध्य प्रदेश का प्रश्न है, ये पूरे देश का विषय हो सकता है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप कर रही है। तो मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ कि हाल ही में साकरता क्षेत्र का मंत्रालय का गठन हुआ है और उनके प्रथम मंत्री के रूप में अमित शाह जी बने हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्या देश, प्रदेश और जिले में साकरता क्षेत्र को खत्म करवाना चाहते हैं इन अधिकारियों के माध्यम से। ये बहुत बड़ा शरण प्राथमिक भंडारों को समाप्त करने का चल रहा है, जो कि निंदा के योग्य है और हम उसकी निंदा करते हैं, और इस तानाशाही मुगलगी और तुगलगी निर्णय का हम विरोध करते हैं।